बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना पीना और गपशप। एक दफ़ा फिर मैं आपके साथ हाज़िर हो चुकी हूँ क्वारंटीन किट के साथ। और लास्ट डे हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट बैच के थे उनका कैसा रहा और क्या रही टेस्टिंग, लेकिन ये सब जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए रेड का बटन जो है उसको प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आप मेरी हर नई आने वाली वीडियो के ऊपर फटाफट से पहुँच सकें। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ लास्ट डे पर। लास्ट डे पे बहुत ही एक्सटेंसिव किस्म की टेस्टिंग ली गई थी जिसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं मेरे हस्बैंड की ज़बानी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज मैं आपको क्वारंटीन के लास्ट डे के बारे में बताऊंगा। आज हमारे क्वारंटीन के 7+3 डेज पूरे हो गए। नई पॉलिसी के मुताबिक हमारा क्वारंटीन कम्प्लीट हो चुका है और यहाँ पर जो नई पॉलिसी के मुताबिक इन्होंने हमारी टेस्टिंग जो लास्ट टेस्ट आज करना था वो ये कंप्लीट कर चुके हैं। सारी रात हमें इंतज़ार करना पड़ा, इसका 5 बजे टेस्ट हुआ कंप्लीट तकरीबन। अभी मैंने सोचा आप सबको बता दूं इसमें क्या क्या ये टेस्टिंग करते हैं। इसमें सबसे पहले ये थ्रोट से सैंपल लेते हैं, इसमें नज़ल सैंपल लेते हैं। उससे पहले जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें नज़ल सैंपल लिए हैं इन्होंने, ठीक है। उसके बाद जो बाकी सैंपल्स हैं वो आपके सेलफ़ोन, लैपटॉप और बाकी जो आपके चीज़ें इस्तेमाल में हैं, टेबल है, चेयर है, बेड है और कप्स हैं, हैंडल्स हैं उसके, वॉशरूम के हैंडल्स हैं, टैप वाटर का, वाटर टैप का हैंडल है उसको, जो भी चीज़ें आपने टच की होंगी ना उसको यहाँ पे इन्होंने सैंपलिंग की है, ठीक है। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि चाइनीज़ इन्वेस्टिगेशन टीम ने बहुत ही थरली हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की है, जिसमें आप जो कुछ भी चीज़ें ड्यूरिंग द क्वारंटीन यूज़ कर रहे हैं, बेड यूज़ कर रहे हैं, चेयर्स यूज़ कर रहे हैं, टेबल यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, टैप वाटर की जो टैप है उसको आप टच करते हैं, वॉशरूम की टैप्स को टच करते हैं, एसी का बोर्ड है आप उसको देख रहे हैं, डोर हैंडल्स हैं, नॉब्स हैं, तो इन शॉर्ट जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी बिलोंगिंग्स हैं, प्लेट्स, टेबल पे जो कप्स पड़े हुए हैं, लैंप है, वॉश बेसन है, आपके हैंगर्स आपने अगर यूज़ किए हैं वो यूज़ वो चेक कर रहे हैं, आपके बैग्स की वो सैंपल ले रहे हैं बैग से, तो हर चीज़ के जो सैंपल हैं उन्होंने कलेक्ट किया। उसके अलावा आपका नेज़ल सैंपल लिया और थ्रोट सैंपल लिया गया, कितनी सारी इन्वेस्टिगेशन की हर चीज़ की, ताकि कोई भी जो है कोविड का केस तो नहीं है अवेलेबल। ड्यूरिंग दिस दो स्टूडेंट्स जो थे उनका जो आया था IgM पॉजिटिव ड्यूरिंग दिस होल क्वारंटीन, और उनको डिफरेंट हॉस्पिटल में ले जाकर डाल दिया गया, एडमिट कर दिया गया, तो वहाँ पे वो मज़ीद 2 वीक्स स्पेंड करेंगे और उस बाद उनको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब ये सारी इनकी टेस्टिंग हो चुकी है, इनको ग्रीन कोड मिल चुका है, फाइनली अब वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा सकते हैं। इन होपफुली आज रात तक वो लीव कर देंगे, इनको लीव का कह दिया गया है। दे पीपल आर सो लकी कि इनके क्वारंटीन जो कि 14+14 था और टोटल 28 डेज का क्वारंटीन बन रहा था, इनका शॉर्टन अप हो गया 7+3 में, एंड लकीली इनके 10 डेज इधर ही कंप्लीट हो चुके हैं। सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द फर्स्ट बैच स्टूडेंट्स, और जो नेक्स्ट बैचेस आ रहे हैं होपफुली उनको ईमेल्स आना शुरू हो गई हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को के स्टूडेंट्स को, तो काइंडली आप लोग अपना जो ट्रू चाहते हैं ना, आप जाना चाहते हैं, इफ़ यू आर विलिंग तो आप उसको येस करें, अदरवाइज बाकी स्टूडेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ को ख़त्म ना करें, और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां हो जाएंगी नेक्स्ट बैच के लिए, क्योंकि हमारे सीनियर्स कुछ ना कुछ हमें गाइड कर देंगे, और वैसे ही क्वारंटीन शॉर्टन अप हो चुका है और एक्सपेंसेस ऑब्वियसली कम हो जाएंगे,
और मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर 250 की लिस्ट है या 500 की लिस्ट है तो काइंडली कोशिश करें कि हर कोई जाए, जिसने नहीं जाना वो क्लियरली बता दे ताकि नेक्स्ट स्टूडेंट को चांस दिया जा सके। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी शियान टू शंघाई और शंघाई में क्या अपडेट्स होती हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो।